अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मसूद एक और नई वीडियो के साथ। यार आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बारिश हो गई तकरीबन पिछले 3 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश है। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ पहना नहीं क्योंकि मुझे गर्मी की याद आ रही है। जुलाई का महीना है, 7 जुलाई है, दोपहर 3 बजे का टाइम है। माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने इसलिए कुछ नहीं पहना क्योंकि मुझे गर्मी की याद आती है, तो इसलिए फिर कहता हूँ कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं पहना। इलाका आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, भी नहा धो के निकला घर से अड्डे की तरफ, थोड़ा काम था। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल हमें जाना है सकाई। अच्छा, तो सुबह का टाइम है, सकाई की तरफ निकले। सर्दी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैंने रुमाल उठाया और कज़न ने जैकेट भी पहना है क्योंकि सुबह सुबह सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ये मोटरसाइकिल तकरीबन हमें 1 किलोमीटर ऐसे ही लेके जाएगा क्योंकि हम नीचे के साइड पे जा रहे हैं, ढलान पे, सारा ढलान ही ढलान। लेकिन वहाँ से आते ही फिर मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। वादिया मानती से वादी शकाई में इंटर होते ही मौसम और ख़ूबसूरती में वाज़ह फ़र्क आ जाता है क्योंकि वादी सकई इतना खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत माशाल्लाह, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पर वादी मानतोई और वादी बदर जैसा ठंड और ख़ूबसूरत नहीं है। सकई तकरीबन हम हफ्ता 10-12 दिन या फिर 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा आते हैं। सबसे ज़रूरी काम अगर वो हमारे यहाँ हजामत होती है और घर के दूसरी ज़रूरियात, और उसके अलावा सबसे मज़े की बात यह कि सकई में नए काम करते हैं, वाईफाई डिवाइस लगे हुए और PGCL के, तो इतने दिनों बाद हमें नेट इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। अच्छा, तो सकई से निकले वापस घर की तरफ, सारा दिन यहीं पे गुजारा। नेट का स्पीड इतना अच्छा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग अपलोड करता। वैसे मैंने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर दिए और फेसबुक पे भी। अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं, यहाँ पर तो धूप निकली हुई है, आप लोग देख सकते हो वादी सकई में। लेकिन मानतोई पे देख सकते हो आप लोग बादल छाए हुए। दुआ करें कि बारिश से पहले ही हम अपने घर को पहुँचे। मानतोई तो रोते ही ठंडी हवाएं लगी, हर जगह बादल छाई हुई है, बारिश का खतरा भी है। दुआएं कि हम बारिश से पहले ही पहुँचे अपने घर को। पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। यहाँ के रोड, यहाँ तो रोज़ाना बारिश होती है तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ रोड रोज़ाना ख़राब हो जाती है, तो लोग खुद बनाते हैं हाथों से, ट्रैक्टर वगैरह से। तो आज माशाल्लाह पाक FC भी आई हुई है, वो खुद लगे हुए और रोड बनाने में। अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, बहुत मुश्किल है यहाँ रोडों की। सब कहो माशाल्लाह, है ना खूबसूरत। शुक्र है अल्लाह का, बारिश से पहले ही घर पहुंच गए। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूं हमारी मोटरसाइकिल का घर जाने का। ये रास्ता है जिसे पैदल आना भी बड़ा मुश्किल से आते हैं, मोटरसाइकिल को और भी मुश्किल से ले आते हैं हम। तो इस व्लॉग को ख़त्म कर दे यहाँ, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ही व्लॉग में। तो मेहरबानी करके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।